3/6 इक्वल टू 2/4 है, देख सकते हो तुम, 3/6 इक्वल टू 2/4, तो ये WSB है, राइट? तो अगर WSB है तो 2 ओम रेजिस्टेंस को तुम यहाँ से हटा सकते हो। तो अगर 2 ओम रेजिस्टेंस को मैं हटा दूँ यहाँ से, तो अभी साथ कुछ काम नहीं है, राइट? और ध्यान से देखो, 6 + 3 हो जाएगा 2 ओम, एंड 2 + 4 ये हो जाएगा 6 ओम। तो 2, 6 एंड ये 2 हमारा किसमें है, पैरेलल में, राइट? 6 + 3 9 होता है, सॉरी, ये 6 एंड ये 3 हो जाएगा 9 ओम। तो अब यहाँ पर 1/R इक्विवेलेंस इक्वल टू हो जाएगा 1/9 + 1/6 + 1/4, यहाँ से आर इक्विवेलेंस आ जाएगा तुम्हारा 9/7। अरे ज्योति, इसमें आंसर बताओ कितना आएगा? ये कनेक्टिंग वायर है, बताओ, तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा है तुम बोल सकते हो। स्वास्थ्य तुम्हें पता है? तो क्या ड्रॉप लेके करना है क्या? हाँ, ड्रॉप लेके ही करना पड़ेगा, तुम्हें थोड़ा सा थिंक करना है, तुम बता सर सकते वो हो। ऊपर वाले में 1/4 क्यों है? कहाँ पे 1/4? सर ऊपर वाले 1/4 नहीं है, 1/2 है। 1/9 + 1/6 + 1/2, ठीक है ना? हाँ, इसमें देखिए, यहाँ पर अगर तुम पोटेंशियल मार्क करोगे भी, तो ये तुम्हारे पास में कनेक्टिंग वायर है, तो कोई तो करंट ऐसे गया, ऐसे जाएगा जाएगा जाएगा, और यहाँ से करंट ऐसे जाएगा, राइट? और ये पूरा करंट ऐसे निकल आएगा बाहर, अंदर में करंट गया ही नहीं, तो आर इक्विवेलेंस कितना हो जाएगा? 0। कोई भी करंट अंदर में नहीं जा रहा होगा यहाँ पर, क्योंकि सारा करंट कनेक्टिंग वायर के थ्रू बाहर निकल जाएगा ना। बात समझे कि नहीं? तो मार्क कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आर की वैलेंस ही 0 आता है। इसमें फिर लोअर रेजिस्टेंस वाला अप्लाई बना गया। हाँ वही, करंट फॉलो लीस्ट रेजिस्टेंस बात ना, तो करंट तो ऐसे निकल जाएगा ना, इसको अंदर जाएगा ही क्यों, समझा? तो कोई वायर में रेजिस्टेंस होगा ही नहीं तो वही कंसिडर करें, हाँ, बट अगर एक रेजिस्टेंस होता फिर क्वेश्चन अलग हो जाता। फिर यहाँ पे करेक्शन कुछ अलग हो जाता फिर। हाँ, ठीक, अब ये करोगे तुम, अब ये करके देखो। इसको बी ले लेता मैं, इसको ए ले लेता हूँ। ये मान ले तेरा 8 ओम है, ए भी 8 ओम है, दिस इज 6 ओम, ये तुम्हारा 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, ये 6 ओम है, और इसको भी मैं 6 ओम बोल देता हूँ। तुमको बताना है आर इक्विवेलेंस कितना होगा। फाइंड करना आर इक्विवेलेंस। हाँ, इसमें मिला किसी को? ये 8 एंड 8 किसमें है, पैरेलल में, ये 6 एंड 6 भी पैरेलल में है, इसको सॉल्व कर लेना। तो सॉल्व करो, कितना मिल जाएगा तुमको? सर्किट को मैं थोड़ा सा रिड्यूस कर रहा हूँ,
सिक्स, ये टू, ये भी टू। देखिए ये पैरेलल में है, ये हो जाएगा 4 ओम, आल्सो इन पैरेलल ये हो जाएगा 3 ओम। इसको ए बोल रहा हूं मैं और इसको मैं बोल रहा हूं बी, तो ये तुम्हारा बन गया 4 ओम। राइट, और ये बन गया तुम्हारा 3 ओम। अब देखो अब इसमें क्या करना है तुमको, इसको पोटेंशियल मान लो वी, इसको मान लो जीरो, इसको मान लो एक्स, इसको मान लो वाई। राइट, सो यहां पर मानोगे तुम वी, यहां पर मान ले एक्स है, यहां पे मान ले वाई है, और यहां पे मान ले तू जीरो है। अब देख यहाँ पर वी और एक्स के बीच में, वी और एक्स के बीच में एक 6 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो ऐसे मैं 6 ओम लगा दूं, इसका काम हो गया। फिर से एक्स और वाई के बीच में एक 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक्स और वाई के बीच में मैंने 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया, एंड वाई एंड जीरो के बीच में, वाई एंड जीरो यहाँ पर है, वाई एंड जीरो के बीच में 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा था, यहाँ पे 2 ओम लगा दिया मैंने, एक्स एंड जीरो के बीच में 3 ओम लगा है, यहाँ पर तुमने 3 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया, इसका भी हो गया। वी एंड वाई के बीच में तुम बहुत ध्यान से देखोगे तो 4 ओम लगा है, यहाँ पर वी एंड वाई के बीच में 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ, ये तुम्हारा ए था, ये बी था। सही है, अब इसको चेक करेंगे क्या ये डब्ल्यू एस बी है, तो फॉर डब्ल्यू एस बी तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा, 6 बाई 3 इक्वल टू होना चाहिए 4 बाई 2 के, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, हाँ 2 इक्वल टू 2 आ गया तुम्हारा, तो ये डब्ल्यू एस बी है। तो अगर ये डब्ल्यू एस बी है तो तुम बोल सकते हो कि जो ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है इसके क्रॉस करंट 0 हो जाएगा। राइट, तो अगर इसके क्रॉस करंट 0 हो गया तो 6 एंड 3 किस में हो जाएंगे सीरीज में, तो 6 प्लस 3 हो जाएगा तुम्हारा 9 ओम, एंड 4 प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा ये 6 ओम। तो जो आर इक्विवेलेंस आएगा वो हो जाएगा 9 × 6 / 9 + 6, तो 9 × 6 / 9 + 6 हो जाएगा 15, 3 3 जा 9, 18 / 5 ओम, ये तुम्हारा आर इक्विवेलेंस आएगा। होप सबको समझा होगा ये। तो ऐसा ही हुआ होगा तुम्हारा, अगर ऐसा हो रहा है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, नहीं, तो यहाँ पर देखो इसको तुम बोल दो वी है, एक्स और वाई वैसे मानू जैसे तुम बोल रहे हैं, इसको मैं एक्स ले लेता हूँ, फिर इसको वाई ले लेता हूँ, और यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 0, ये बोलो इसको भी बोलो। चलो वी और एक्स के बीच में एक रेजिस्टेंस है और वो 6 ओम का है, इसका हो गया। एक्स और वी के बीच में फिर से एक रेजिस्टेंस है एंड इट इज आल्सो 6 ओम, इसका भी काम हो गया। फिर देख वी और जीरो के बीच में, वी और जीरो यहाँ पर है, तो अभी इसको मत करो ठीक है ना, थोड़ी देर में लगाता हूँ मैं। जीरो और वाई के बीच में, जीरो और वाई यहाँ पर है जो कि 8 ओम है, ये हुआ। एक्स और वाई के बीच में 2 ओम का लगा हुआ है, तो यहाँ पर एक्स और वाई ये है तुम्हारा, तो यहाँ पर 2 ओम का लगा दो, इसका काम हो गया। वाई एंड जीरो, वाई एंड जीरो कहाँ पे, यहाँ पर है, वाई एंड जीरो के बीच में फिर से 8 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो यहाँ पर मैं फिर से लगा दूंगा 8 ओम का रेजिस्टेंस। राइट, वी एंड जीरो के बीच में अगेन है तुम्हारे पास में 2 ओम, देखिए यहाँ पर वी एंड जीरो के बीच में यहाँ पर है और वी और जीरो के बीच में यहाँ पर है, 1 6 है, 1 2 है, तो एक तो मैं ऐसे लगा देता हूँ यहाँ से, तो ये वी एंड जीरो के बीच में ये 6 ओम ये वाला हो गया तेरा, एंड वी एंड जीरो के बीच में 2 ओम यहाँ पर है, चाहो तो इसको भी यहीं पे लगा दो, ये अच्छा दिखेगा, तो यहाँ पर ऐसे लगाओ, और ये भी कितना है तुम्हारे पास में 2 ओम, ये ठीक है ना।
अब अगर इसको तुम बहुत ध्यान से देखो तो यहाँ पे WSB नाम की कोई चीज नहीं है, ठीक है ना, व्हीट स्टोन ब्रिज तो ही नहीं है। तो ये 6 एंड 6 ये तुम्हें पैरेलल में दिख रहे हैं, ये हो जाएगा 3 ओम। 8 एंड 8 ये भी पैरेलल में, ये हो जाएगा 4 ओम। ये 3 ओम, ये 2 ओम, ये 4 ओम, ये तो सीरीज में दिख रहा है अपने को। तो ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2 6 5, और ये 4 9। तो अगर इसको तुम रिड्यूस करोगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 5 प्लस 4 9, यहाँ पर आ गया तुम्हारे पास में 9 ओम। ऊपर 2 ओम लगा हुआ है, ऊपर लगा दो यहाँ पर 2 ओम, यहाँ पे लगा दूंगा 2 ओम, ये 6 ओम है तो यहाँ पर मैं लगा दूंगा इसको 6 ओम, राइट। ये तुम्हारा बी हो गया और ये तुम्हारा ए हो गया। अब इसको तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो, तो 1/R इक्विवेलेंस इक्वल टू होगा 1/2 प्लस 1/9 प्लस 1/6। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास में, एलसीएम कितना ले सकता हूं मैं, 18 ले लूं चलेगा ना, 18 सब कट रहे हैं, तो 9 प्लस 2 3, तो ये तुम्हारे पास में हो गया 1/R इक्विवेलेंस। यहां से जो आर इक्विवेलेंस आएगा वो जाएगा 18/14, तो ये हो जाएगा 9/7 ओम, ये आंसर है। क्लियर है ना, ये नोट कर लो इसको।